तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि अभी आप लोगों को दुनिया में क्या हुआ है कि कई जैसे मजदूर हो गए हैं, बाहर काम करने के लिए जा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे दुकानें बंद हो गई है, सिर्फ इमरजेंसी वाले दुकान खुले हुए हैं, जैसे कि राशन दुकान हो गया, दवाई के दुकान हो गए। लेकिन बहुत सारे जो है मैक्सिमम दुकान बंद है, लोग बाहर काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। कई ऐसे ऑफिशियल वर्क होते हैं जो कि ऑफिस ये सब सारा बंद हो गया है, प्राइवेट जितने भी फैक्ट्रीज मिल ये सब सारा बंद हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या हो रहा है कि ऑफलाइन में जो इनकम आता था वो तो बंद हो ही चुका है। अभी लोग कमा नहीं पा रहे, घर पर ही आपको बैठ के रहना है। 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है पूरे इंडिया को। कल रात में मोदी जी जो है आए थे लाइव कॉन्फ्रेंस में। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि 21 दिन तक तो जो है ऑफलाइन जितने भी इनकम सोर्स होते हैं वो तो लोग कमा ही नहीं पा रहे हैं, घर में सबको बैठ के रहना है। यहाँ पे अब जो है मुसीबत, बड़ी मुसीबत ऑनलाइन इनकम पे भी हो गया है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या होने वाला है। और यूट्यूब पे जो है अब पैसा आप लोगों को शायद से बहुत कम या फिर नहीं के बराबर ही आपको पैसा यहाँ पे इनकम होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहली बात, यूट्यूब पे जो है अब देखिए एड बहुत कम आएंगे। रीज़न मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या रीज़न है। दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने एक फ़ोन लॉन्च किया, मान लीजिए सैमसंग ने एक फ़ोन लॉन्च किया और उस फ़ोन का एडवर्टाइज़ हमारे वीडियोस पे चलते हैं, तो हमें उस एडवर्टाइज़ जो चल रहा है उसका पैसा हमें मिलता है। अब मान लीजिए सैमसंग ब्रांड का कोई फ़ोन निकला है, सैमसंग वाले हमारे वीडियोज़ पे या फिर यूट्यूब पे एड वो क्यों चलाएंगे? एड ही नहीं चलाएंगे। रीज़न ये है कि सैमसंग का जो फ़ोन बिकेगा वो किसी शॉप पे बिकेगा, लेकिन अभी शॉप जो है सारा ऑल ओवर इंडिया में बंद है, बंद है। तो मान लीजिए अभी वो एड चलाएंगे और किसी व्यूवर्स ने उनके एड को देखा तो वो फ़ोन को अगर परचेज भी करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा दुकान शॉप ये सब बंद है। तो यहाँ पर बात यहाँ पर दरअसल ये आ रही है कि अब जो है कंपनियाँ क्या हो रही है कि एड चलाएंगे ही नहीं। वैसे कंपनी जिनका मार्केट में जो है उनका लेन देन हो रहा है, कारोबार होता है, बिजनेस होता है, वैसे कंपनी यहाँ पे ऐड नहीं चलाएंगे। सिर्फ वही कंपनी ऐड चलेंगी जो कि वेबसाइट है, किन्हीं का कोई एप्लीकेशन है जहाँ पर यूजर्स बेसिस इनकम होता है, ऐसा इस तरह का जो है आपको ऐड देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों, मैक्सिमम ऐड की जो संख्या होती है वो अब घट जाएगा। अब यूट्यूब वीडियोज़ पे ऐड आना बहुत कम हो जाएगा। लाइक मान के चल सकते हैं कि 70-80% का जो है ऐड रेट जो है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे YouTube का जो इनकम होता है एडसेंस के, गूगल एडसेंस के थ्रू, वो आपका बहुत कम होने वाला है अप्रैल के मंथ पे, सबसे पहली बात। अब सेकंड जो ऑप्शन है YouTube से पैसा कमाने का, वो है एफिलिएट इनकम जो होता है, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट एफिलिएट हो गया। वो एफिलिएट इनकम भी पूरा का पूरा शट डाउन हो चुका है, बंद हो चुका है। आज के बाद आपको एफिलिएट से इनकम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, प्लस पूरा ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ पे कुरियर सर्विस भी आपको नहीं मिलेगा। आप ऑर्डर भी करोगे तो आएगा नहीं, प्लस अभी जो है लोग ऑर्डर क्यों करेंगे, यहाँ पे इनकम ही नहीं आ रहा है तो वो सामान परचेज ही नहीं करेंगे। इनकम ही तो पूरा इनकम सोर्स ही बंद हो चुका है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जैसा कि आप सबको पता है 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी YouTube के जरिए में जितने भी पैसे कमाने के सोर्सेस होते हैं वो तो हट ही रहा है, प्लस आपका ऐड भी कम आएंगे, तो मतलब मान के चलिए आपको नहीं के बराबर पैसा इनकम होगा। अब बात आती है स्पॉन्सरशिप्स, तो स्पॉन्सरशिप्स भी अभी जो है हमारे पास नहीं आ रही है, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो। और अगर आ भी रही है तो कंपनियां जो प्राइस हमारा जो जेन्युइन प्राइस होता है वो प्राइस नहीं मिल रहा है, उसका 50% देखने को मिल रहा है। कंपनियां यहां पर पैसे नहीं दे रही है, क्योंकि उनका इनकम नहीं हो रहा तो वो कहाँ से पैसे पे करेगी। मतलब हम लोगों के पास जो है अब यूट्यूब से जो इनकम होता है वो कम हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब बात आती है कि कभी कभी जो है हमारे इनकम अर्निंग ये सब को छोड़ करके जान पे बात आती है तो छोड़ देना चाहिए। जान है तो जहाँ है, कल मोदी जी ने कहा था, ठीक है। मान लीजिए अभी कोरोना का जो ये महा ये चल रहा है, ठीक है, अब कोरोना वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ही हमारी जान बचेगी। जान बचने से आगे भी बहुत सारा काम करके हम लोग कमा सकते हैं, बहुत सारा इनकम सोर्स आएंगे और सब कुछ सही भी हो जाएगा, जैसा चल रहा है वैसा भी चलेगा। लेकिन अभी तो मेन प्रॉब्लम जो है, बहुत बड़ा संकट वो है कोरोना का। तो अभी चलिए देखते हैं, 21 दिन के लिए लॉकडाउन है तो आप सबसे तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि घर पर ही रहेंगे, ठीक है, कोई बाहर नहीं निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का समर्थन करेंगे और हम लोग कोरोना से जीत हासिल करके फिर जैसा है नॉर्मल वैसा ही दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल 21 दिन के लिए घर से निकलना ही नहीं है। और YouTube पे इनकम कम हो गया है, लेकिन कम हो गया है होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं होगा। ऑफलाइन में तो एकदम ही नहीं हो रहा, ऑनलाइन में आपको थोड़ा बहुत इनकम मिल ही जाएगी, स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी मिलेगी, लेकिन कम पैसा देखने को मिलेगा। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन देना था, बाकी आप लोग काम करते रहो, ठीक है, एकदम खुल के काम करो यूट्यूब पे। घर बैठे अगर आपका वीडियो बनाने लायक है तो आप लोग वीडियोज़ बनाओ और रेगुलर बनाए रहो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपका ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो या सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।